तो ऑब्वियसली अच्छा हाँ, हो वो जाता एक है। टाइम के लिए आप खा सकते हैं, एक टाइम से ज़्यादा आप नहीं खा सकते। ओली 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 तो ये खाना पीना तो हमारा हो गया, नाउ अब देखते रेस्टिंग हैं थोड़ा रेस्ट रेस्ट करेंगे। एंड देन सो अब जा रहे हैं बोटिंग के लिए। सामने बोट लगी हुई है हमारी और बोटिंग करेंगे। ये है राकेश एंड बियॉन और ये है इनका कुछ प्राइस। ये टाइमिंग्स है 9:30 to 5:30 इवनिंग और चार्जेस भी इसमें दिया हुआ है। वही बात हम भी यही कहेंगे क्योंकि राइड छोटा था, मेरे ख्याल से 15 मिनट का होगा और लेकिन हाँ जहाँ लेक ही जाते हैं ना, इस लेक के बीच में दो आइलैंड है, दो क्या मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा बट इन लोग दो पे ही लेके जाते हैं और टोटली सेक्लूडेड टाइप से जिसमें कि बहुत सारा जंगल झाड़ वगैरह है तो देखने में अच्छा लगता है। ये छोटा राइड है लेकिन हाँ अच्छा लगता है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है इसकी वजह से थोड़ा और अच्छा लगा। और ये 9:30 स्टार्ट होता है हर दिन सुबह
और शाम को 5:30 लास्ट बोट होता है जो कि थोड़ा घुमा फिरा के 6 बजे तक ख़त्म करता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो 5:30 नोट करके चलिए, 5:30 लास्ट बोट रहेगा, दोनों मोटर बोट भी और ये भी रेगुलर बोट भी। कहाँ बैठे हैं आप मिस्टर राकेश? पतातिया रिजॉर्ट्स। ओके, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? मतलब अभी आप बैठ के नमक वाला बॉटल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अचानक यहाँ पे, आप तो किसी और रिजॉर्ट में थे, अचानक यहाँ पे किस लिए? हम लोग को नमक वाला बॉटल वहाँ ढूंढे नहीं मिला, तो फिर हम लोग यहाँ आए। इसके यहाँ पक्का नमक वाला होगा तो यहाँ मिल गया, इसलिए हम लोग इसे खेल रहे हैं। ओके, ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ आए। ओके, तो बियॉन को फाइनली मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। ओके बियॉन, तो यहाँ हम लोग आए हैं तो हमने साथ में कुछ खाने का भी ऑर्डर कर दिया, बट मेन पर्पस ये था। ब्यू डाइपर में, ये क्या बात है? पापा ने ब्यू के कपड़े पहन लिए क्या खुद? लगता है पापा ने ही पहन लिया उसके कपड़े। हम और ब्यू अपना इंटरचेंज करते रहते हैं, दोनों दूसरे का। ओके, कभी हम ब्यू का डायपर पहन लेते हैं, कभी ये मैं छुट्टी पहन लेता हूं। इट्स ओके, बट आप तो बट आप तो पहनते ही नहीं। हम दोनों का साइज एक ही है। छः बज रहा है, मतलब 6 बजने में लगभग 10 मिनट है और अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है। तो ये जो रिजॉर्ट है, आप जैसा कि देख रहे हैं वहाँ पे एक और है, तो उसके अंदर एक्चुअली 4 रूम रहता है। हमारे इस वाले कॉटेज के ऊपर भी 4 रूम ही है, 2 ऊपर 2 नीचे, हमें नीचे वाला मिला है। तो उसी के छत पर आ गए हैं, छत एक्सेसिबल है, बीच में सीढ़ी है जिससे आप ऊपर आ सकते हैं, जहाँ से कि व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, सनराइज़ हुआ नहीं है। सनराइज़ यूजुअली यहाँ पे 6:10, 6:05 इस तरह से होता है सुबह। तो वही है, अभी थोड़ा सा वॉक करके आए। पहले उधर ब्रिज है, यहाँ पे 2 ब्रिज है जो कि इस आइलैंड को लैंड से कनेक्ट करता है, तो उसे थोड़ा घूम के आए। आप एक ब्रिज से जा सकते हैं, दूसरा फिर पूरा जंगल होते हुए दूसरे ब्रिज से फिर इस पर आ सकते हैं। दोनों ब्रिज से दो डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करता है यहाँ पे, और पूरा जंगल है, आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो पूरे जंगल में आप घूम सकते हैं, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और सुबह वो जो चिड़िया विड़िया, यहाँ का जो थोड़ा आवाज़ वगैरह आता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो वही है, थोड़ा सुबह सुबह एक अच्छा वॉक हो गया और अभी छत पे आए। मुझे लगा कि सनराइज़ एक्चुअली हो गया होगा, इसलिए आए थे ऊपर देखने के लिए कि सनराइज़ सच में हो गया है क्या, बट सनराइज़ हुआ नहीं है अभी तक। और 10 मिनट मेरे ख्याल से उसके बाद सनराइज़ होगा, तो वो भी कैप्चर करेंगे। आज हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ पास में एक बोगथा वाटरफॉल है जिसको कि वाटरफॉल ऑफ नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ तेलंगाना बोला जाता है। नाइग्रा जो कि कनाडा का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है, तो उसी टाइप का वाटरफॉल यहाँ पे है, बोगथा वाटरफॉल। तो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह निकलेंगे 9-10 बजे, वो देख के आएंगे। फिर पास में एक
और रमना टेम्पल है और रिजर्वॉयर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे कैसा है। एक दो और हिस्टोरिकल केव्स वगैरह है आसपास, अगर वो दिखता है तो वो भी देखेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आज का ये प्लान है। मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे घूमने फिरने का जगह नहीं है, जो कि गलत है। खास करके वैसे लोग जो कि बेंगलोर से या फिर पुणे से यहाँ मूव करते हैं, उनको लगता है कि वैसे शहरों जैसा यहाँ पे घूमने वाला जगह टूरिस्टिक स्पॉट्स नहीं है, जो कि सही है एक तरह से, क्योंकि उस लेवल का तो टूरिस्टिक स्पॉट सच में यहाँ पे नहीं है। है इस तरह का स्पॉट है जैसे यहाँ लखनावरम है, इस तरह का बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड यहाँ पे जगह है जो कि लोकल्स के बीच में पॉपुलर है, जो माइग्रेंट कम्युनिटी है जो काम करने के लिए आती है इस शहर में, उनके बीच में उतना पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लेवल का डेवलप्ड नहीं है ये जगह। जैसे कि हमने कल बताया कि हमें यहाँ खाने पीने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट अगर आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, बस सीनरी पे फोकस करते हैं, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। इस तरह का बहुत सारा स्पॉट हैदराबाद के आसपास है जो कि टूरिस्टिक नहीं हुआ है, जहाँ पर कि वीकेंड्स में 1000 क्राउड आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है, अगर आपको एक चांस लेके जाना है, तो आप चांस लेना है तो आपको जाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे स्पॉट्स अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि बनाते हैं हैदराबाद के आसपास जो भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है जहाँ की आप जा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा कंटेंट बनाते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो एक्सप्लोर करिए, निकलिए बाहर, आपको बहुत सारा जगह दिखेगा हैदराबाद के आसपास जो कि है काफ़ी ब्यूटीफुल है। और मे बी 10 years डाउन द लाइन ये भी टूरिस्टिक हो जाएगा, यहाँ भी आपको वीकेंड में 1000 क्राउड दिखेंगे। जब यहाँ पे क्राउड उस लेवल का आना स्टार्ट करेगा ना, तो मुझे लगता है अल्टीमेटली ये ऑब्वियसली टेक ऑफ कर जाएगा। अभी क्या है कि ये गवर्नमेंट मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसका इतना ख्याल रखते नहीं है। आसपास है एक दो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ ये जो प्राइम स्पॉट है यहाँ पे अगर थोड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी होता तो फिर ज़बरदस्त होता। कोई भी जगह का खूबसूरती जो होता है ना, वो उसके मॉर्निंग आवर्स में होता है। अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए इस तरह का स्पॉट या कोई भी स्पॉट, तो कोशिश करिए कि सनराइज़ से पहले का जो आधा घंटा होता है ना, उस टाइम उठ जाइए और एक बस एक छोटा सा मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, तो वहाँ का जो ऑप्टिमम खूबसूरती है वो आपको एहसास होगा। और मॉर्निंग आवर्स का जो एक फील आता है ना, वो मेरे ख्याल से अल्टीमेट आता है, अनमैचेबल, ऐसा है होता ही नहीं है। मुझे सनसेट बहुत पसंद है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इस तरह से मॉर्निंग आवर्स में घूमना जो कि यूजुअली होता नहीं है मेरा जो टाइम टेबल है, बट कभी हम घूमने जाते हैं ना, तो आई मेक श्योर कि सुबह मॉर्निंग आवर्स में उठें और सनराइज से एटलीस्ट एक घंटा पहले आधा घंटा पहले उठते हैं और पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं बाय वॉक
और अगर कहीं गए स्कूटी उस्कूटी अगर मिलता है तो पूरा स्कूटी लेके घूमना चारों तरफ, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो ये आप भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि उस जगह का जो ऑप्टिमम फील है ना वो आप ले पाएंगे।